हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि CMPF का पैसा निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्म यूज़ होता है और उस फॉर्म को आप कैसे फिल कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ते हैं ताकि आप CMPF का पैसा को आसानी से विड्रॉ कर सकें। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप CMPF एंड EPF प्लेलिस्ट में जाकर CMPF से रिलेटेड और वीडियोज़ को देख सकते हैं, जैसे कि CMPF और EPF में क्या डिफरेंस होता है, CMPF बैलेंस ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, वो वीडियो भी आपको CMPF एंड EPF प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि बहुत सारे लोगों का डाउट था, और आप CMPF नंबर कैसे ले सकते हैं उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें ताकि CMPF से रिलेटेड और वीडियोज आप तक आते रहें। तो अब हम देखते हैं CMPF का नया सहज फॉर्म, जिसको बोलते हैं न्यू सहज फॉर्म। ठीक है, तो आप इसे इंग्लिश हिंदी दोनों में भर सकते हैं। ये फॉर्म आपके CMPF विड्रॉवल में यूज़ होगा। तो अब हम इसे देखते हैं कि इस फॉर्म को हम कैसे भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सदस्य का नाम लिखना है स्पष्ट अक्षरों में, फिर आपको पिता या पति का नाम लिखना है, फिर आपको आपका CMPF अकाउंट नंबर लिखना है जो कि आपको मिलता है। ठीक है, CMPF अकाउंट नंबर जो भी आपको मिला होगा आपको वो यहाँ लिखना है, फिर आपको अपना कर्मचारी संख्या लिखना है, फिर आपको कोर सोशल सिक्योरिटी नंबर लिखना है, फिर आपको आपके आधार नंबर लिखना है, फिर पैन नंबर, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर इंपॉर्टेंट है बिकॉज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, जैसे आप PF का बैलेंस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आप अपना PF स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसे अपने एरिया या यूनिट में जाकर रजिस्टर करा लें। फिर आपको अपना कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करना है, उसके बाद आपको लिखना है आपकी जन्म तिथि, फिर आपको लिखना है आपकी नियुक्ति की तिथि जो कि आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है। ठीक है, फिर आपको लिखना है समाप्ति की तिथि जिसे हम बोलते हैं डेट ऑफ सेसेशन। अगर एम्प्लॉय की मृत्यु होने के बाद इस फॉर्म को भरा जा रहा है उसके दावाकर्ता के द्वारा, तो तब आपको डेट ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय यानी कि मृत्यु की तिथि यहां पर फिल करनी है। उसके बाद आपको पति पत्नी या दावाकर्ता का नाम फिल करना है, उसका आधार संख्या और उसकी पैन संख्या। ओके, फिर आपको लिखना है कि उस दावाकर्ता या स्पाउस क्लेमेंट का क्या रिलेशन है मेंबर के साथ। नेक्स्ट, ये है आपका सेकेंड पेज, इसमें आपको ये पॉइंट नंबर 21 तभी भरना है जब सदस्य के मृत्यु उपरांत इसे भरा जाए। ठीक है, दावेदार के द्वारा इसे भरा जाए तभी आप इसे पॉइंट भरना है। उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 22 में एड्रेस भरना है, फिर आपको अपने बैंक डिटेल भरने हैं जिसमें आपको खाता धारक का नाम लिखना है, बैंक का ब्रांच लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है, IFSC कोड फिल करना है। ये फॉर्म फिल करने के बाद आप सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन लगा सकते हैं मेंबर का या फिर जो दावेदार है क्लेमेंट का। अब हम देखेंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। तो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अटैच करना है, आपकी आधार कार्ड की कॉपी अटैच करनी है, बैंक पासबुक की कॉपी अटैच करनी है। फोर्थ पॉइंट में आपको सेवानिवृत्ति नोटिस लिखा है, ये आपको तब अटैच करनी है जब लागू हो। तो फॉर्म को फिल करने और ये डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देखने हैं, जैसे कि आप फॉर्म में ओवरराइटिंग ना करें। अगर आपका फॉर्म गलत भर जा रहा है तो आप दूसरा फॉर्म प्रिंट करके भर सकते हैं, ज़्यादा ओवरराइटिंग से फॉर्म एक्सेप्ट ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद सभी जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं वो स्वयं सत्यापित होने चाहिए, मीन्स आपका साइन होना चाहिए उसमें। न्यू सहज फॉर्म भरने के बाद और सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको सब में साइन करना है, उसके बाद आपको उसके दो सेट बना के जमा करने हैं। अगर किसी मेंबर की डेथ होने के बाद अगर वो दावेदार उसका फॉर्म भर रहा है तो उस केस में आपको मृत्यु प्रमाण पत्र उस मेंबर का लगाना है और जो दावेदार है उसका आधार कार्ड की कॉपी लगानी है इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय। ओके, मृत्यु की स्थिति में। तो इस तरीके से आप CMPF का पैसा निकालने के लिए नए सहज फॉर्म को फिल कर सकते हैं और जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उन्हें अटैच करके सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इसे शेयर कीजिए और CMPF से रिलेटेड और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस वीडियो इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश, सो इफ़ यू आर इंग्लिश स्पीकर यू कैन गो टू द CMPF एंड EPF प्लेलिस्ट एंड कवर द CMPF विड्रॉवल फॉर्म वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।